बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दरक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बूंदी। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है। यहाँ पे हमने लिया है दो इलायची है, और ये हमारे पास बादाम है बारीक कटा हुआ। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर ले लिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये काजू है, और ये रोस्ट किया हुआ खोया है हमारे पास, और ये बेसन की बूंदी है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और यहाँ हमने शक्कर ले लिया है, बूंदी के बराबर हमने शक्कर ले लिया है, और यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। तो आइए अब चलते हैं बनाने की तरफ। यहाँ पे हमने फ्राई पैन रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। यहाँ पे हमने शक्कर को डाल लिया है, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज कलर, ये देखिए यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम यहाँ पे डालेंगे इलायची। आप चाहें तो इलायची पीस के इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने दो इलायची डाल दिया है। अभी हमारी चाशनी पकने लगी है, ये देखिए चाशनी हमारी पकने लगी है। शक्कर हमारा अच्छे से घुल गया है इसमें। ये बनाना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है, और बनने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही आसानी से घर पे बना सकती हैं आप। आप चाहें तो बूंदी भी घर पे बना सकती हैं आसानी से। ये देखिए चाशनी हमारा पकने लगा है। अभी हम इसको टच करके देखते हैं। अभी थोड़ा और पकाएंगे इसको। जब चाशनी हमारा थोड़ा तार जैसे बनने लगेगा, तब हम इसमें बूंदी डालेंगे। अभी हम इसमें यहाँ पे ये बादाम डाल देंगे, कटा हुआ बारीक कटा हुआ। ये काजू भी इसी में डाल देंगे। आइए अब हम चेक करते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी चिपचिपी हो गई है थोड़ी। अब हम इसमें डालेंगे बूंदी। गैस को हम थोड़ा लो फ्लेम पे कर देंगे। आप चाहें तो काजू बादाम डालें, चाहे नहीं डालें, ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें खरबूजे का बीज डाल सकती हैं। खरबूजे का बीज डाल देंगी तो और ही अच्छा बन जाएगा, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी हम इसमें डालेंगे ये बूंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बूंदी हमने यहाँ पे डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए गैस को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, अभी हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए चाशनी में हमने बूंदी डाल के गैस बंद कर दिया था, अभी हमने फ्राई पैन को उतार लिया है। ये हमारा थोड़ी देर के लिए रख देंगे, सेट हो जाएगा, फूल जाएगा अच्छे से, फिर हम इसको कटोरे में निकालेंगे, फिर सर्व करेंगे। हमेशा ये याद रखें, बूंदी बनाएं तो ये याद रखें कि पानी थोड़ा ज़्यादा हो, शक्कर तो उससे मीडियम हो, बूंदी के हिसाब से शक्कर लें, और पानी थोड़ा ज़्यादा रखें। जब थोड़ी चिपचिपी हो जाए चाशनी, फिर उसके बाद बूंदी डालें, उसके तुरंत बाद उतार लें इसको, फिर उसको उसी में रखा रहने दें। जब ये अच्छे से फूल जाए, सेट हो जाए, फिर इसको निकालें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बूंदी कितनी अच्छी और कितनी ही टेस्टी बनी है, एकदम खिली खिली सी बनी है। हमने इसको प्लेट में निकाल के और ऊपर से ये थोड़ा सा खोया डाल दिया था, और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत बने हैं। आप भी अपने घर पे ट्राई करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।